पूरे देश में गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। एनआईए की टीम आतंकवाद, नारकोटिक्स, तस्करों, गैंगस्टरों के मामलों में छापेमारी कर रही है। 100 से ज्यादा स्थानों पर एनआईए सर्च कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में छापेमारी जारी है। पंजाब में मोगा के अलावा निहाल, सिंहवाला, तलवंडी, भंगेरिया में भी एनआईए की टीम पहुंची है। बताते चले कि गैंगस्टर टेरर लिंक केस में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और नीरज बवाना सहित दर्जन भर गैंगस्टर्स के यहाँ एनआईए के छापे जारी हैं। हरियाणा के सिरसा, झज्जर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम के अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। जिनके घर और ठिकानों पर छापेमारी की गई है वो सभी गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम में खालिस्तान समर्थक जेल में बंद अमृतपाल के करीबी बिजनेसमैन के घर छापेमारी की गई। वहीं सिरसा के टबवाली में कांग्रेस नेता जग्गा बराड के घर पर भी एनआईए की रेड पड़ी है। खबर है कि पंजाब के फिरोजपुर में भी तीन जगहों पर एनआईए की रेड जारी है। सीमावर्ती जिले में बुधवार सुबह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए द्वारा तीन अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रिकॉर्डों को खंगाला जा रहा है। एनआईए की टीम ने मुदकी, तलवंडी और फिरोजपुर में तीन लोगों के घर पर छापेमारी की है। इसके अलावा भटिंडा में भी जिन घरों पर छापेमारी की गई है वहां पर किसी को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।